अच्छा भैया, बिरहा का गर्मा गर्म मुकाबला, वीर रस का मुकाबला आप लोगों के बीच में जात बा। कलाकार हम श्याम दो प्रजापति व साथी, और हमारे विरुद्ध में बालचरण यादव व साथी, कई शानदार मुकाबला आप लोगों के बीच में जात बा। भरोसा बा कि आप लोगों की पसंद आई, भूमिका से भाव लिया गया बा। लबों पर ये जय हिंद नारा रहेगा। ए भैया, ये हमार भारत का धरती, वीरन का धरती हो। ये धरती के लिए, वतन के लिए हमारे देश का लाखों लाखों जवान अपने जान का कुर्बानी देके वतन के आजाद करोल। कवि के दुई लाइन ओ जवानन वदे बाप, जवन जवान अपने जान का बाजी लगा के वतन की सुरक्षा में लगल हुन। विराम एक लाइन कव्वाली हो मास्टर। अरे तोड़ दिया दिल जान के सीसाम, तोड़ दिया दिल जान के सीसाम, अरे ऐसा चला के खंजर, अरे ऐसा चला के खंजर, नजरों में तेरे जन्म है प्यार का समंदर। वीरन बदे लाइन है कि सत सत नमन तुझे मेरा, सत सत नमन तुझे मेरा, देता इतिहास गवाही, देता इतिहास गवाही, तूफान से है खेल के जो वतन के सिपाही। तूफान बिरहा के कहानी के शुरुआत बा, ये आजमगढ़ के क्रांतिकारियन के बिरहा बा। गोरों की रही हुकूमत, भारी आतंक मचाए, गर्सी ना कोई फुलाया, गोली से तुरा तुड़ाए, अंग्रेजी जमाना रहा। आजमगढ़ के महमूदपुर छावनी में राड़ी नाम का एक गवर्नर आया, ऐलान करवा दिया जिसके घर बढ़िया सुंदर लड़की हो हमारे बंगले पर भेजवा दे, वरना खैरियत नहीं। घोड़ा पर सवार होके निकले, जौने गांव में सुंदर लड़की देख ले, अयासी मिजाज का उराड़ी गवर्नर लड़की अपने बंगला पर बुला ले। ए भैया, एक दिन घोड़ा पर सवार होके चलल, आ चलल तो कोने गांव में चलल, तर बदल गिल मास्टर। बाबा
वह तजबा कोनो दुल्हीन अपने दुल्हा के चिट्ठी लिखले बा बाबा का आ चिट्ठी लिखला त का लिखलस लिखलस की चिट्ठी लिखतानी हो चिट्ठी लिखतानी एकरा के तार जनिहा हो चिट्ठी लिखतानी एकरा के तार जनिहा यही के प्यार जनिहा हो चलल बा आज जब चलल तो कबीर जी के भाव लिखे गए बड़का एक दिन रारी अरसा एक दिन रारी अरसा गहजी के मझार चलल एक दिन रारी अरसा गहजी के मझार चलल घोड़ा पर सवार चलल हो पहुँचल बा अरसा गहजी गांव में आज जब अरसा गहजी गांव में पहुँचल तो केकरे घरे पहुँचल पहुँचल बा पापी डम्बर हरियन के बखरिया पहुँचल बा बिटिया चंदा पर तब बिटिया चंदा पर तब परल बा नजरिया हो देखत आयासी के हो देखत आयासी के दिल पर तब कटार चलल देखत आयासी के दिल पर तब कटार चलल घोड़ा पर सवार चलल हो भैया अरसा गहजी गांव में डम्बर हरजन के घरे पहुंचल बा आ डम्बर हरजन के बिटिया चंदा घड़ा लेके कुआं पर पानी लेवे जात बा आ तब तक राड़ी गवर्नर के नजर पड़ल बा घोड़ा से उतर के जाके डहरिया छेक ललस हो कहत कितनी सुंदर हो और रूप की रानी हो दिल दीवानी हो मेरी जान जरा मेरी बाहू में आ जा डांटती है खबरदार नीच मेरे तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश मत करना लेकिन वो राड़ी गवर्नर मानत ना बा अब मानत ना तो कहलस का तर्ज बदल गिल मास्टर कहत बका कहलस कि गाल गुलाबी आंख शराबी पतरी कमर हिलावाना गाल गुलाबी आंख शराबी पतरी कमर हिलावाना भरी के कवारी में रनिया उसन का जाम पियावाना काला कजरा घेरे जसवदरा पिठी पर छोटी नगिनिया हो माते बिदिया हराम कैल दिया माते बिदिया हराम कैले नि दिया काली के सन छुनिया हो हे दिल्ली जानी रूप की रानी पायल तू छमकावाना भर के या कवारी में गोरिया हुस्न का जाम पियावाना
ए भैया डम्बर हरिजन के लड़की की तरफ बढ़ल है आ गयल त दौड़ के गट्टा पकड़ के खींच लस अखबारी में समेट लेलस आ जब अखबार में समेट लेलस तो चिल्लाइल है गांव वालन की बचाओ बचाओ मेरी इज्जत बचाओ लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। आखिर राड़ी गवर्नर छोरतना दांत से काट लेलस आ काट के छोड़ा के भागल भागल तो लापता हो गई। राड़ी गवर्नर हाथ मलत पहुंचल बंगला पर आ डम्बर हरिजन के संदेश भेजौलस कि ए डम्बर अगर तुम्हारी बिटिया चंदा शाम होते होते मेरे बंगले पर नहीं आती है तो कल का सुबह तुम नहीं देख पाएगा कल का सूरज नहीं देख पाएगा तुम। जब इतना बात सुनने डम्बर तब पहुंचल हुन अपने गांव के जमींदार बाबू राम सेवक सिंह जौन की क्रांतिकारी रहलन अरसा गाजी के ठाकुर बाबू राम सेवक सिंह क्रांतिकारी रहलन आ वही राम सेवक सिंह के पास जाए के डम्बर हरिजन रो रो के ठे बात कहलन का कहला मास्टर मोरी सारी मोरी सारी प्यारी सारी तू कितने की सारी मोरी सारी डम्बर हरिजन बाबू राम सेवक सिंह के पैर पकड़ के रोत हो का कहलन आज जाई हो बाबू जाई आज जाई जतिया जाई हो मोरी ठाढ़ी जतिया जाई आज सरकार मेरी बेटी चंदा को आज पापी गवर्नर राड़ी अपने बंगले पर बुलाया है अगर मैं उसे नहीं भेजूंगा तो कल का सुबह कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा। आज जब राम सेवक से सुन लें तो उनके उनका पारा सातवें आसमान पर है। अरे विदेशी कुत्ते की ये हिम्मत हमारे गांव में कैलन का सुन के राम सेवक सिंह के लागल लागिनिया काल भेज बिटिया जाई हो मोरी खाड़ी जतिया जाई आज जाई आवाज दे राम सेवक सिंह। अरे डम्बर चिंता मत कर मेरे रहते जी चिंता मत कर संदेशा भेज दे पाजी को कि बाबू वह खो गई है कहीं मिल नहीं रही आपके डर से कहीं छिप गई है मिल नहीं रही है मैं उसको कल सजा धजा के आपके बंगले पर भेजूंगा संदेशा भेज दो। अडम्बर हरिजन जाके संदेशा भेजलन कि पहुँचलन राड़ी गवर्नर के बंगला पर जाके पैर पकड़ लेलन कि बाबू आपके डर से वह लड़की कहीं छिप गई है मिल नहीं रही है लेकिन कल वादा करते हैं हम कि कल आपको उसको सजा धजा के आपके बंगले पर भेजेंगे। राड़ी बड़ा खुश बल्कि ठीक है जाओ कल नहीं बल्कि परसों भेजना
लेकिन जरूर भेजला ना बाबू कल भेजब आज यह कह के अलन है तो यह राम सेवक सिंह का बात सुने विरहा से टेरी में कवि जी भाव लिखलन राम तिरंगा भी अंगड़ाई ले लिया अरे तिरंगा भी अंगड़ाई ले लिया नारा इनकलाब परी का दिल दहलाई अरे दहलाई अरे दहलाई अरे दहलाई अरे दहलाई नारा इनकलाब बैरी का दिल दहलाई तिरंगा भी अंगड़ाई ले लिया आ दूसर का दिन जब आयल है तो चंदा ना बल्कि चंदा की जगह पर राम सेवक सिंह चंदा बनत हूँ आ चंदा बनत हूँ तो कैसे बनत हूँ यहाँ तर जागल मास्टर वह तजबा तेरे प्यार के कागज पे दिल की कलम से अरे प्यार के कागज दिल की कलम पहली बार सलाम लिखा पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम बाबू राम सेवक सिंह चंदा बनत हूँ आ चंदा बनत हूँ तो कैसे केर बांध के सीने की पिस्टल बम गोली को अरे बांध के सीने पिस्टल बम गोली डोली में हो के सवार चली डोली में हो के सवार चली चंदा पादी के द्वार चली डोली में सवार होकर राम सेवक सिंह चंदा बनके सीना पर पिस्टल बगल में सीना पर बम बगल में पिस्टल लटका के साड़ी पहन के बढ़िया ओठ रंग के आ दुल्हन बन के साड़ी पहन के बैठल डोली में आ जब डोली पहुंचल तो का भेल पहुंची है बंगले पे डोल हर्ष में राड़ी जाम छलकाया पाला पास आया घूंघट को तारा बदला नजारा घूंघट को तारा बदला नजारा मुखिया न सब उतार चली मुखिया न सब उतार चली चंदा पादी के द्वार चली
अधिकारी गवर्नर के बंगला पर पहुंच गई बा डोली। आ जब डोली पहुंचल तो आवाज दिया कि सभी कहां बाहर निकल जाए डोली लेकर के। चंदा के रूप में राम सेवक सिंह दुल्हन मन के अकेले बंगला में हुआ। राड़ी गवर्नर शराब पी के पहुंचल है। आज पहुंचल कलश की मेरे जान, जरा मेरे पास में आओ। आए है तो राम सेवक थमकत का पहुंचलन है। आज पहुंचलन तो कलन की सरकार है, स्टल पिस्टल कुल उतार दें, कुलाबा कबाई ठीक ना हो, ये झुराई काम में दिक्कत करी। साहब तुरंत आबा काबा उतार दिलन और चड्ढी गंजी पे हो गई लन। आज जब चड्ढी गंजी पे हो गई लन तो कहा सरकार है कितनी घुटवा टार के हमारे चेहरवा देख ली। काल से जब से हमार कलाई पकड़ ले हुआ तब से हमार दिल कई किस्म को हो जाता है। आज जब घूंघट उठावा चलल, जब घूंघट ढोला सब मोछ देखल से बड़की बड़की, तो ओकर पुतरी चढ़ल के चढ़ली रह गई। आज जब भाग चल सब तक कैलन का राम सेवक सिंह तारी बदल गई मास्टर। गोली मार दिए, पेट में चाकू घोप दिए, राड़ी गवर्नर तो चारों खाना चीत गिरल है। देखा हंसे लगी कि खत्म काम हो गया। आ जब आवाज गोली का आवाज सुनाई देलस तो चारों तरफ से अंग्रेजी पलटन बंगला घेर लेती है। राम सेवक सिंह सोचलन कि निकलब कैसे, आ निकलना तो कैसे निकलना भैया, अरे बमवा फटल भागे गोरी पलटनिया, अरे बमवा फटल भागे गोरी पलटनी, जैसे लड़ी हवा सियार बबुआ को पटकते हुए फायर करते हुए बाबू राम सेवक सिंह उस राड़ी गवर्नर के बंगले से फरार हो गए। गोरी पलटन मुक दर्शक बनकर देखती रह गई। ए भैया भागेलन तो यहाँ चलरिया लगल मास्टर। दुल्हा फरार भइले ना हो, दुल्हा फरार खोजा गोरकी, दुल्ही निया हो रही निया बाबू भाई जवानिया ना। मातम चारों दिशा में छाई, अदल फांसी का सजा सुनाई, भैलिया जा सफल छत्री के जिंदगानिया हो रैनिया कौर भैली जवानिया ना। राड़ी गवर्नर के मौत के आरोप में इल्जाम में बाबू राम सेवक सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी का आदेश हो गया। आज जब डंबर हरजन के खबर लगल तो डंबर हरजन पहुंच के कहलन कि ठाकुर राम सेवक सिंह के काहे गिरफ्तार आप लोग कैले हैं,
जज के सामने बयान दिए डंबर हरिजन की राम सेवक सिंह नहीं बल्कि मैं मारा हूँ सुराड़ी गवर्नर को, क्योंकि मेरे बेटी की इज्जत लूटना चाहता था। आखिर राड़ी गवर्नर के मौत के आरोप में राम सेवक सिंह रिहा हो गई, लेकिन डंबर हरिजन के फांसी लग गई। आज जब फांसी हो गई तो फिर दोबारा अंग्रेजन के पता लगल कि नहीं वास्तव में राम सेवक सिंह मारे हैं, तो राम सेवक सिंह को फिर फांसी का आदेश हुआ। तो राम सेवक सिंह का वकील कहा कि ठीक है, फांसी के उस गवर्नर के मौत के आरोप में एक ही आदमी मारा जा सकता है, या तो डंबर हरिजन या तो राम सेवक सिंह। डंबर हरिजन को जिंदा कर दीजिए, राम सेवक सिंह को फांसी दे दीजिए। तो के जिंदा करी, आखिर राम सेवक सिंह रिहा हो गेलन। आ जब रिहा हो गेलन तो क्रांति छेड़ देलन, तो क्रांति छिड़लन तो आल्हा में दुलन भाव बा। गंगा का लहरिया भैया बहादुर सिंह बीरव हो जुझार तेज बहादुर सिंह अवनी से गजराज सिंह गदाईपुर से लाल बहादुर तमाम तमाम क्रांतिकारी के नौजवान क्रांति को छेड़ दिए। यहर बाबू राम सेवक सिंह बिटिया चंदा का शादी कैलन आ बरात मंगौलन आ बरात मंगाए के विदाई कैलन तेठे बात कहलन का कि अपने पीहर का घर में सजैया बिटिया लेकिन धर्म वाला नैहर जिन भूलैया बिटिया अपना पैसा अपने कन्यादान दे करके उसकी शादी किए और बोले कि बेटी जब जब मौका पड़ेगा हम तुमको यहाँ मंगाएंगे, तुम्हारा मेरा घर तुम्हारा नहीं होगा। हमेशा खिचड़ी तीज भेजावल करलन और शादी ब्याह पड़ला तो चंदा बेटी के मंगावल करलन। तो आखिरी में भाव है गुरु बिहारी पत्नी सरजू धन भारत के औलाद सोहितिया दस्य मूरत बोलो जिंदाबाद तिरंगा भी